नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 11 नए जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूँ, जो कि सैनिक स्कूल झुंझुनू के द्वारा घोषित की गई है। मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के बेसिस पे होगी। साथ ही आप जब यहाँ नीचे आओगे, आप देख सकते हो वो जो 11 पोस्ट है जिनकी घोषणा हुई है, वो है TGT जनरल साइंस, TGT सोशल साइंस, TGT इंग्लिश, आर्ट मास्टर, म्यूजिक मास्टर, काउंसलर, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, अपर डिवीजन क्लर्क, लोअर डिवीजन क्लर्क, ड्राइवर एंड जो लास्ट है वो है वार्ड बॉय। इन्हीं के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो ऑफलाइन है, और आपको दिए गए इस एड्रेस पे आपको अपना एप्लीकेशन सेंड करना है किसी भी रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा। तो ये जो एड्रेस है वो है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झुंझुनू। मैं आपको बता दूँ, झुंझुनू राजस्थान में सिचुएटेड है। और साथ ही आप जब यहाँ नीचे आओगे, आप देख सकते हो अटैचमेंट सेक्शन में यहाँ पे काफ़ी सारे अटैचमेंट्स हैं, और उनमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है वो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फ़ी, पैटर्न, एनेक्शियस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एट्सेट्रा। तो अगर आप ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में इंटरेस्ट रखते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डाउनलोड बटन को प्रेस करोगे, तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो ये सैनिक स्कूल झुंझुनू राजस्थान जो मैंने आपको बताई थी वो सेम यहाँ पे मेंशन है। इसी के साथ यहाँ पे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी आपके लिए अटैच की गई है, और आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे पहला पोस्ट है हमारा TGT जनरल साइंस रेगुलर, इनके लिए यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट की घोषणा हुई है, और रिजर्वेशन क्राइटेरिया के बेसिस पे OBC की यहाँ पे फिलिंग है। तो आप देख सकते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस में मेंशन है कि आपके पास 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होनी चाहिए, BSc फिर BEd में रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT में, या फिर आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए इन एग्रीगेट आपके अपने कंसर्न सब्जेक्ट में। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो आपके लिए पे लेवल है वो है 7, और आपकी जो यहाँ पे लेवल के अकॉर्डिंग जो PPC होगी वो है 44,900। आपके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स, एंड आप देख सकते हो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस में मैंशनड है आपके पास PG की डिग्री होनी चाहिए साइंस या फिर ऑनर्स ग्रेजुएशन इन फिजिक्स, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल, एंड आपके पास प्रोफिशियंसी होनी चाहिए गेम्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। साथ ही आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CTET आपकी क्वालिफाइड होनी चाहिए, और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंशनड है। तो जो हमारा सेकेंड पोस्ट है वो है TGT सोशल साइंस रेगुलर, इनके लिए भी यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट की घोषणा हुई है, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन है, बस आपके अपने कंसर्न सब्जेक्ट चेंज हुए हैं। तो आप इनके अकॉर्डिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पढ़ सकते हो। यहाँ पे जो लेवल है पे लेवल है वो 7 है, वो सेम मेंशनड है जो TGT जनरल साइंस के लिए, और आपके लिए जो यहाँ पे एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स की। इसी के साथ जो यहाँ पे तीसरी पोस्ट है वो है TGT इंग्लिश रेगुलर, इनके लिए यहाँ पे 2 पोस्ट की घोषणा हुई है, और ये कैटेगरी वाइज अनरिजर्व्ड है। तो देख सकते हो क्वालिफिकेशन सेम है विद डिफरेंट सब्जेक्ट प्रायोरिटी, एंड यहाँ पे लेवल भी आपके लिए सेम है, एज लिमिट भी आपके लिए सेम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हर डिफरेंट TGT या फिर जो सब्जेक्ट टीचर्स के लिए यहाँ पे मैंशनड है वो यहाँ पे आपके लिए काफ़ी एक्सप्लेन्ड वे में यहाँ पे आपके लिए मैंशनड है, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे जो एक दूसरी पोस्ट है यह है UDC, और इनके लिए यहाँ पे सिर्फ एक पोस्ट की घोषणा की गई है। साथ ही जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपके पास आप ग्रेजुएट होने चाहिए, साथ ही आपके पास एटलीस्ट 2 साल की ऑफिस एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या फिर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में। आपके पास जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड सैलरी है वो है 20,000 पर मंथ, और जो एज लिमिट है वो है 18 टू 50 ईयर्स की। डिजायरेबल में मेंशन है आपकी टाइपिंग स्पीड मिनिमम 40 WPM की होनी चाहिए इंग्लिश में, और 35 WPM होनी चाहिए हिंदी में। साथ ही आपके पास कंप्यूटर स्किल्स होने चाहिए MS ऑफिस पैकेज की। आपको मैं बता दूँ यहाँ पे हर डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट क्वालिफिकेशंस मेंशन है। इन्हीं के साथ यहाँ पे वैकेंसी में आपके पास कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आपके लिए मेंशन है, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और यहाँ नीचे आते हुए आप देख सकते हो आपके पास पॉइंट वाइज में मेंशनड है अलाउंसेस एंड अदर कंडीशंस फॉर रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल एंड टेम्प्रेरी स्टाफ के लिए। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। मैं आपको बता दूँ टोटल इसमें 12 वैकेंसीज की घोषणा हुई है, यानी कि 12 वैकेंसीज की, और इनके लिए जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 30 अप्रैल 2022 से लेके जो आपके लिए लास्ट डेट है वो है 21 मई 2022। गाइज ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग में मेंशन है कि आपको ऑफलाइन मोड के द्वारा इस
इस एप्लीकेशन को फिलअप करना है। साथ ही आपके यहाँ पे सारे पॉइंट्स स्टेप वाइज मेंशनड है। आपको नॉन रिफंडेबल फी पे करना है डिमांड ड्राफ्ट में, जो कि है ₹500 की फॉर जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी। साथ ही 250 है आपके एससी और एसटी कैटेगरीज के लिए। इसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मेंशन किए गए। और इनके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे पॉइंट नंबर 11 में सिलेक्शन प्रोसेस के लिए मेंशन है कि इसमें आपके लिए रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू भी आपके लिए करवाई जाएगी। तो गाइज आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। एंड जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो है राजस्थान की। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आपके हेल्प के लिए पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर दी है। बट स्टिल अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरीज है या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो या कुछ भी आप उनके साथ डिस्कस करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस फोरम बटन पर प्रेस करते हो तो आप हमारे कम्युनिटी फोरम पर आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पर आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे एक राइट और रिप्लाई का सेक्शन देखोगे। इस राइट और रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपने डाउट्स, क्वेरीज या कुछ भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करते हो तो आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स भी इनमें रिप्लाई कर सकते हैं। वो भी अपने यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं और साथ ही वो भी अपने डिस्कशन थ्रेड इस राइटर रिप्लाई की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हैं। आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो ये लिंक है वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। गाइज मैं आपको बता दूं, ये एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हो, आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हो, आप एक दूसरे को हेल्प कर सकते हो, एक दूसरे की क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। सो गाइज आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।